किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान में लगने वाले येलो स्टेम बोरर यानी पीले तना छेदक कीट के बारे में। इस कीट के लगने पर आपके खेत में धान के कुछ पौधे सूखे हुए दिखाई देंगे, जिनमें बालियां सफेद रंग की होती हैं। यदि आप इन पौधों को निकालेंगे तो ये आसानी से निकल आती हैं। यदि आप इनके तनों को बीज से फाड़कर देखेंगे तो आपको इस कीट के लार्वा दिखाई देंगे तनों के बीच में। ये लार्वा पीले रंग के होते हैं, जिनका सिर भूरे रंग का होता है। यह कीट वैसे दो अवस्था में धान की फसल में नुकसान करता है। एक तो जब आप रोपाई लगाते हैं तो उसके 45 से 50 दिन के बाद ये नुकसान करता है खेत में, उस टाइम पे अटैक करता है जब ये धान की फसल आपकी 45 से 50 दिन की हो जाती है। इस अवस्था में धान के पौधों के जो बीच वाले कल्ले होते हैं वो सूख जाते हैं। इस अवस्था को डेड हर्ट भी कहते हैं। दूसरा, धान की जब फसल गाप की अवस्था में आ जाती है या फिर जब बालियां निकल रही होती हैं या फिर निकल चुकी होती हैं कुछ, तो इस अवस्था में ये अटैक करता है और इस अवस्था में तनों को क्या करता है, नीचे से काट देता है, जिससे धान की जो बालियां होती हैं उनमें कोई दाने नहीं बनते हैं और बालियां सफेद दिखाई देंगे आपको खेत में। किसान भाई, ये इस कीट का वयस्क कीट है। वयस्क नर तथा मादा चमकीले पीले रंग के होते हैं, जिनके आगे के पंखों के बीच में काले धब्बे होते हैं। वयस्क नर कीट जो होता है वो मादा से छोटे होते हैं, जिनके आगे के पंख ग्रे या हल्के भूरे रंग के होते हैं। ये देखिए किस तरीके से ये कीट अंडे देता है। ये मुख्यतः जो धान की पत्तियों के शीर्ष भाग होते हैं, ऊपरी भाग होता है, उसमें ये अपने अंडे देते हैं। आइए आप जानते हैं कैसे इस कीट की रोकथाम की जाए। सबसे पहला काम आपको यह करना है, धान की रोपाई लगाने से पहले धान के पौधों के जो ऊपरी भाग होते हैं, शीर्ष भाग जो होता है, उसको काट कर या तोड़कर आप अलग कर सकते हैं, जिससे इस कीट के अगर धान की नर्सरी में अटैक किया है इस कीट ने तो ये खेत में इसके जो अंडे होते हैं वो जाने की संभावना इस कीट की कम हो जाती है। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, धान की ऐसी किस्म को आपको लगाना चाहिए जो जल्दी पककर तैयार हो जाती हो। तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं, धान की कटाई के बाद गहरी जुताई करें तथा उसके बाद खेत में पानी भर दें, जिससे इस कीट की संख्या अगली फसल के लिए कम हो जाएगी। चौथा, आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके क्षेत्र में इस कीट का प्रकोप ज्यादा हो तो धान की रोपाई थोड़ा सा देर से करें। पांचवा काम आप क्या कर सकते हैं, आप अपने खेत में लाइट ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट ट्रैप एक हेक्टेयर में 8 लगाए जाते हैं। आप ट्रैकोकार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेत में। किसान भाई, यदि आप कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहते हो तो कार्बोफ्यूरॉन, कटाप हाइड्रोक्लोराइड तथा मोनोक्रोटोफॉस जैसे कीटनाशक का रिकमेंडेड डोज पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं।